Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव ज्ञान कोचिंग सेंटर में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के बारे में, और इसमें हम लोग देखेंगे प्रोज और पोएट्री सेक्शन में जितने भी चैप्टर्स आते हैं उनमें जितने भी राइटर हैं सभी के बारे में अच्छे से देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ है, निधन कब हुआ है और कौन से चैप्टर्स को कौन लिखे हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, आपके एग्जाम में अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है, इस बार मैच द फ्लोइंग होगा तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप समरी बनाओगे तो राइटर का नाम उसमें लिखना होता है और उसके बाद जो है उनका जन्म कब हुआ है, निधन कब हुआ है, ये सब लिखना होता है, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट आपका 20 नंबर का ऑलमोस्ट तैयारी आपका इससे हो जाएगा इस वीडियो से। तो आप लोग अच्छे से देखिए, अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर लीजिएगा सभी के साथ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पोएट्री सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे पोएट्री सेक्शन में जो है पहला जो चैप्टर आती है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। काफी अच्छा ये चैप्टर था, इसको लिखे हैं जॉन्डन जी, इसको लिखे हैं। इनका जन्म हुआ है, कब हुआ था जॉन्डन जी का जन्म, 22 जनवरी 1572 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ है। वही इनका निधन कब हुआ है, 31 मार्च 1631 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनका निधन हुआ है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए, अगला जो चैप्टर है वो है सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। इसको लिखे कौन है, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ को कौन लिखे हैं, वॉल्ट विथमैन जी इसको लिखे हैं। कौन, वॉल्ट विथमैन जी इसको लिखे हैं। और इनका जन्म कब हुआ है ये देखिए, 31 मई 1819 को न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ है। वही इनका निधन कब हुआ है, 26 मार्च 1892 को इनका निधन हुआ है यूनाइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे ये हो गई। अगला यहाँ पे चैप्टर देखिए, आप याद रखते चलिएगा सारे यहाँ पे जो भी चैप्टर्स है उसके लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ है, निधन कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सब याद करते हुए चलिएगा। अगला यहाँ पे चैप्टर जो है वो है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इसको कौन लिखे हैं, डब्ल्यू एच ऑर्डन जी इसको लिखे हैं। इनका फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, इनका जन्म कब हुआ है, तो 21 फरवरी 1907 को इनका जो है जन्म हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, और इनका निधन हुआ है 29 सितंबर 1973 को ऑस्ट्रेलिया में इनका निधन हुआ है। तो याद रखिएगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को के लेखक कौन है, डब्ल्यू एच ऑर्डन जी। अगला यहां पे देखिए, चौथा जो चैप्टर है वो है ऑड टू ऑटमन। ऑड टू ऑटमन को कौन लिखे हैं, तो जॉन किट्स इसको लिखे हैं ऑड टू ऑटमन को। और इनका जन्म कब हुआ ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 31 अक्टूबर 1795 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ है। वही निधन के बारे में अगर बात करें, डाइट के बारे में, तो 23 फरवरी 1821 को रोम इटली में इनका निधन हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ऑड टू ऑटमन के लेखक आती है फिफ्थ चैप्टर, इसमें क्या है, ये है एन एपिटाफ, और इसके लेखक कौन है वो देखिए, इसके लेखक हो जाएंगे वाल्टर डीला मेयर। और यहाँ पे इनका जन्म के बारे में अगर बात करें, तो इनका जन्म हुआ है 25 अप्रैल 1873 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनका जो है जन्म हुआ है। वही निधन के बारे में अगर बात करें, तो इनका निधन हुआ है 22 जून 1956 को। यहाँ पे है दी सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा ये लिखा गया था। काफी अच्छा यहाँ पे ये बार पोयम था, मतलब ये युद्ध एक कविता था, युद्ध का, युद्ध के बारे में इसमें बताया गया था। अगले यहाँ पे इसके लेखक के बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसके लेखक हो जाएंगे कौन, रूपर्ट ब्रूक जी के द्वारा ये लिखा गया था। और इनके रूपर्ट ब्रूक जी का जन्म कब हुआ था वो देखिए, 3 अगस्त 1887 को इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद जो है इनका निधन हुआ था 23 अप्रैल 1915 को इनका जो है निधन हुआ था, कहाँ पे, ग्रीस में इनका निधन हुआ। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो चैप्टर है वो है मैकावेटी द मिस्ट्री कैट। इसको लिखे कौन है, टी एस इलियट जी इसको लिखे हैं। इसमें आप बिल्ली के बारे में पढ़े थे, बहुत ही खतरनाक बिल्ली के बारे में आप पढ़े थे, आपको अच्छे से बताए हुए हैं सारा कुछ। अभी इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 26 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ है, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में। वही इनका निधन के बारे में बात करें, तो इनका निधन हुआ है 4 जनवरी 1965 को, कहाँ पे, लंदन में इनका निधन हुआ है। अगला यहाँ पे देखिए, फायर हिम जो चैप्टर है इसके लेखक कौन हो जाएंगे, फायर हिम चैप्टर के लेखक हो जाएंगे केकेएन दारूवाला। केकेएन दारूवाला के द्वारा फायर हिम चैप्टर लिखा गया है। इसमें वही जो है शमशान घाट के बारे में बात किया गया था कि जो है लाश को जलाना वो क्रूरता के बारे में ये बताए थे, वही जो चैप्टर था वो। यहाँ पे इसके लेखक कौन है, केकेएन दारूवाला। और इनका जो है जन्म कब हुआ है, तो 1937 को इनका जन्म हुआ है लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है। और नेशनलिटी इनका जो है इंडियन है। के लेखक कौन आ जाएंगे,
डीएस लॉरेंस इसके लेखक हो जाएंगे और इनका अगर जन्म के बारे में बात करें, बॉर्न के बारे में, तो 11 सितंबर 1885 को इनका यूनाइटेड किंगडम में जन्म हुआ है। वही निधन के बारे में बात करें तो 2 मार्च 1930 को फ्रांस में इनका निधन हुआ है। अगला देखिए, अगला जो चैप्टर है वो है माई ग्रैंड मदर साउथ। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, कमला दास जी के द्वारा ये लिखा गया है माई ग्रैंड मदर साउथ। तो ये आपको अच्छे से बताए हुए थे, लेखक जो थे कमला दास वो इंडियन थे और उनको अपने दादी के घर जाना था लेकिन वो अपने दादी के घर से काफी दूर रहते थे। यहाँ पे इनका जन्म के बारे में अगर बात करें तो वो है 31 मार्च 1934 को केरला इंडिया में इनका जन्म हुआ है। वही निधन के बारे में बात करें तो 31 मई 2009 को पुणे इंडिया में इनका निधन हुआ है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, माय ग्रैंड मदर्स हाउस इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे समरी भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अभी यहाँ पे देखिए जो अगला सेक्शन आती है हम लोग के पास वो है प्रोज सेक्शन। अभी हम लोग पोएट्री सेक्शन को देख चुके हैं, अब हम लोग के पास यहाँ पे प्रोज सेक्शन आती है और इसमें यहाँ पे जो भी चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे लेखक कौन है और उसके बाद उनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, और साथ में यहाँ पे अब जो है यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है कि कौन सा एस्से है, कौन सा स्पीच है, तो ये भी आप देखते हुए चलिएगा। यहाँ पे जो है क्या बोला गया, पहला यहाँ पे जो चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये एक एस्से है, निबंध है और ये लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें सभ्यता के बारे में हमें बताया गया है पूरे अच्छे से, सभ्यता के बारे में, और कंपेयर किया गया है मॉडर्न सिविलाइजेशन से, मतलब आधुनिक सभ्यता से इसमें कंपेयर किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला यहाँ पे देख लेते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। उसके बाद इनका निधन के बारे में बात करें तो इनका निधन हुआ है, डाइट कब किए हैं, 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हुआ है न्यू दिल्ली में। तो ये आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए जो चैप्टर है वो क्या है, भारत इज माई होम। ये जो है स्पीच है, भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। और इनका जो है जन्म कब हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, तो 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है। वही अगर निधन के बारे में बात करें तो इनका डेट कब किए हैं ये, तो 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में ये डेट किए हैं, निधन इनका हुआ है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। अगला जो चैप्टर है ये क्या है, एक स्टोरी है और ये लिखा गया है मनोहर मालगोनकर के द्वारा, ये लिखा गया है। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 12 फरवरी 1913 को, 12 फरवरी 1913 को इनका जो है जन्म हुआ है, कहाँ पे, मुंबई में। वही इनके निधन के बारे में बात करें तो इनका ये डाइट कब किए हैं, तो 14 जून 2010 को कनाडा में इनका निधन हुआ है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। अगला यहाँ पे जो चैप्टर है वो है आई हैव अ ड्रीम, जो एक स्पीच है, जो एक क्या है, स्पीच है, भाषण है, जो दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जीआर के द्वारा। किसके लिए, तो निग्रोस के लिए ये दिए थे भाषण, निग्रोस के स्वतंत्रता के लिए, उसके आजादी के लिए, उसके सभ्यता को बचाने के लिए, सेम इक्वलिटी मिलने के लिए वो भाषण दिए थे। यहाँ पे इनके अगर जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ है 15 जनवरी 1929 को, इनका जन्म हुआ है कहाँ पे, जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ है। वही अगर निधन के बारे में बात करें तो इनका निधन हुआ है 4 अप्रैल 1968 को, इनका निधन हुआ है यूनाइटेड स्टेट में। तो ये आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर जो चैप्टर आती है वो है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। काफी अच्छा यहाँ पे ये भी एक एस्से था, क्या है ये, एक एस्से है और यहाँ पे इसके लेखक के बारे में बात करें, राइटर हो जाएंगे इसके ब्रटन रसेल और इनका जन्म हुआ है 18 मई 1872 को यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ है। वही अगर निधन के बारे में बात करें तो इनका निधन हुआ है 2 फरवरी 1970 को, इनका निधन हुआ है यूनाइटेड किंगडम में। तो ये देख लीजिए। अगला यहाँ पे जो चैप्टर है वो है दी आर्टिस्ट। दी आर्टिस्ट क्या है, एक स्टोरी है। इसमें जो है एक युवा का जो कला होता है, जो आर्ट होता है, उसमें उसको जो है कैसे दबा दिया जाता है अपने घर वालों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, वही चीज के बारे में यहाँ पे सेगा नोया जी बताए हैं। तो इसके लेखक कौन है, सेगा नोया। इनका जन्म कब हुआ है, तो 20 फरवरी 1883 को जापान में इनका जन्म हुआ है। उसके बाद इनका निधन कब हुआ ये भी देख लेते हैं, तो इनके ये डाइट कब किए, तो 21 अक्टूबर 1971 को ये जापान में इनका निधन हुआ है। तो ये देख लीजिए। अगला बॉर्न, ये चाइल्ड इज बॉर्न, ये क्या है, एक एस्से है। ये जन्म के बारे में बताया गया है इसमें इसमें जो है बांग्लादेश के बारे में बात किया गया है कि बांग्लादेश में एक बच्चे का जन्म होता है तो वहां पे क्या त्योहार टाइप का होता है, वो सारी चीज के बारे में बताया गया है। काफी अच्छा एक एस्से था जो कि जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया। तो राइटर कौन है, जर्मन ग्रीर। इनका जन्म कब हुआ है, जर्मन ग्रीर जी का जन्म कब हुआ है, तो
29 जनवरी 1939 को ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ है। अब अगला जो चैप्टर है वो है एक एसे, और चैप्टर का नाम क्या है, हाउ फ्रीज द प्रेस। इसको लिखे कौन है, द्रुति एल सैरस। और इनका जन्म के बारे में अगर बात करें, इनका जन्म हुआ है 13 जून 1893 को, कहां पे, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ है। वही अगर निधन के बारे में बात करें तो इनका निधन हुआ है 17 दिसंबर 1957 को यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद अगला जो चैप्टर देखिए, सबसे पहले ये याद कर लीजिए हाउ फ्रीज द प्रेस एक एसे है। उसके बाद 9 नंबर जो चैप्टर है ये एक स्टोरी है, दी अर्थ। यहाँ पे दी अर्थ के बारे में बात किया गया है, जिसमें जो है बेंजी वगैरह के बारे में बात किए थे, बेंजी जॉनसन सैंडर्स, तो इसके बारे में जो बात किए थे वो चैप्टर है, ये एक स्टोरी है। और इसके लेखक हो जाएंगे एचिविट्स। इनका जन्म हुआ है 16 मई 1905 को यूनाइटेड किंगडम में। वही इनका निधन हुआ है 29 जनवरी 1974 को यूनाइटेड किंगडम में इनका निधन हुआ है, तो ये आप याद रखिए। अगला जो यहाँ पे चैप्टर है वो है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। तो यहाँ पे ये जो है लिखा गया है पर्ल इस वक्त के द्वारा, ये लिखा गया है एक निबंध है, एक एसे है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। अब इनका जन्म हुआ है कब, पर्ल इस वक्त जी का जन्म हुआ है 26 जून 1892 को यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ है। वही अगर निधन के बारे में बात करें तो 6 मार्च 1973 को यूनाइटेड स्टेट में इनका क्या है, ए मैरिज प्रपोजल। ये एक बहुत एक ड्रामा है, एक कॉमेडी है, और इसके लेखक कौन है, एंटन चेकव जी। इसके लेखक हो जाएंगे एंटन चेकव। इनका जन्म हुआ है 29 जनवरी 1860 को, कहाँ पे, रसिया में इनका जन्म हुआ है। वही अगर निधन के बारे में बात करें तो इनका निधन हुआ है 15 जुलाई 1904 को जर्मनी में इनका निधन हुआ है। तो ये आप सारे डेट को याद कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे वीडियोस मिलेंगे, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।